अथीरा वॉज क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू हर क्लास. अथीरा अपनी क्लास पर जा रही थी कुछ स्टेप्स चढ़कर. स्विंगिंग हर वाटर बॉटल, अपनी वाटर बॉटल को स्विंग करते हुए घुमाते हुए जा रही थी वो अपनी क्लास में. इट हिट द स्टूडेंट कमिंग अप बिहाइंड हर, क्योंकि वो अपनी बॉटल को स्विंग करते हुए जा रही थी उसकी वजह से जो उसके पीछे एक स्टूडेंट आ रहा था उसको उस बॉटल ने हिट कर दिया. ओके, सो अथीरा हैड द फ्रीडम टू स्विंग हर आर्म्स. अथीरा के पास फ्रीडम थी अपनी आर्म्स को स्विंग करने की, बट शी हैड टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ डूइंग सो ऑन दोज अराउंड हर. बट उसे पता होना चाहिए था कि जो फ्रीडम उसे मिल रही है उसकी वजह से दूसरों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो उसके आसपास लोग हैं उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. इट वॉज मोर देन लाइकली दैट शी वुड हिट समवन, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि जो वो कर रही है उसकी वजह से दूसरों को चोट पहुँचेगी. ओके, देन अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ अनीता. अनीता वॉज टोल्ड नॉट टू प्ले विथ फायर. अनीता को ये बोला गया था कि वो आग से ना खेले. ओके, वन डे व्हेन हर मॉम वॉज बिजी वॉशिंग, जब एक दिन उसकी मम्मी बिजी थी वॉशिंग में, अनीता टुक द मैचेस एंड ट्राइड लाइटिंग इट. तो अनीता ने क्या किया, मैचेस ली और उसने उससे आग जलाना स्टार्ट किया. ओके, एंड सून बर्न्ड हर फिंगर, जिसकी वजह से उसकी फिंगर जल गई. अनीता हैड द फ्रीडम टू ओबे और नॉट ओबे हर मॉम. अनीता के पास ये फ्रीडम थी कि अपनी मॉम ने जो बोला है उसको सुने या ना सुने, उसको ओबे करे या ना करे. व्हेन शी चूज नॉट टू लिसन, और जब उसने ये चूज़ किया कि वो उस बात को नहीं सुनेगी जो उसकी मम्मी ने उसे एडवाइस किया था, उस ऐसा करने से उसने क्या किया, अपने आप को हर्ट किया. शी हर्ट हरसेल्फ. ओके, सो रियल फ्रीडम इज़ इन एकोमोडेटिंग अदर पीपल फ्रीडम इन अ फ्रीडम. ओके, तो रियल फ्रीडम किसमें, जब हम दूसरे की फ्रीडम का भी ध्यान रखते हैं अपनी फ्रीडम के साथ साथ. रियल फ्रीडम हेल्प अस सेक्रीफाइज अ लाइक्स. रियल फ्रीडम की वजह से कई बार हमें अपनी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है. ओके, एंड एक्ट वाइजली, और हर सिचुएशन में अच्छे तरीके से रिएक्ट करना और एक्ट करना ही रियल फ्रीडम होती है. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज We should know what is the meaning of the real freedom in our life. Real freedom is in keeping the freedom of others also in our life, and we have to act wisely in every situation.